जनरल डीके चतुर्वेदी अखिल भारतीय पूर्व सेवा परिषद के नेशनल प्रेसिडेंट जनरल नारायण महांति मेरे व्यक्तिगत बंधु भी पुराना परिचित एवीएम सिंह साहब वाइस प्रेसिडेंट मेजर जनरल आरपीएस भादुरिया जी ब्रिगेडियर अभिमन्यु राउत जी कर्नल पंडा जेपी शर्मा जी और आरपी पांडे जी मंच में बैठे हुए बाकी अधिकारीगण। यहाँ मेरा गांव में रोड नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं। मेरा एक स्कूटर लोन में खरीदा तो था लेकिन उसको मैं घर नहीं ले जा सकता था क्योंकि धूप का दिन में तो ले सकता था लेकिन बारिश का दिन में तो संभव नहीं। तो उसको रोड में मेरा मामा का घर में छोड़ के, वो भी आप जूता चप्पल भी पहन के नहीं जा सकते बारिश का दिन में, तो उसको सब खोल के लुंगी पहन के बैग में डाल के गांव जाते थे। बारिश का दिन में साइकिल लेना आना मतलब कंधे में उठा के एक डेढ़ किलोमीटर को, ये स्थिति था। तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आज थोड़ा स्टूडेंट लीडर भी था, तो इसलिए मैंने विधायक सांसद इनको मिल के हमारा काम हो जाए ऐसे ज्ञापन देने के लिए मैंने उनको ढूंढने जाता था। अब कांग्रेस पार्टी का सरकार था, उनका एमएलए थे, शासक दल थे, तो हमको मिलने नहीं देते थे। वो जो कांग्रेस का वर्कर्स जो होंगे, विधायक हैं ये तो पता है, यहाँ बैठे हुए हैं, उनका गाड़ी बाहर में है, वो सबको पता है कि विधायक का गाड़ी है जीप, लेकिन आप विधायक को नहीं मिल सकते। वहाँ उनका जो वर्कर्स होते हैं उनको आप उनसे पार भेद करके जा नहीं सकते, बोलेंगे क्या है दे दो कागज, ये सब होता था। हमारा हम तो शेड्यूल ट्राइब है, तो हमारा शेड्यूल ट्राइब का कास्ट सर्टिफिकेट भी उस समय में एमएलए एमपी लोग देते थे, तो उसमें से भी 5 रुपया 10 रुपया ले लेते थे। अगर किसी का पैसा नहीं है बोलेगा तो मुर्गा है क्या जाओ। तो ये आप, हम तो गांव का आदमी है, हमको अगर कोई क्या बोलेंगे फॉरेस्ट अधिकारी, एक समय था हम जिस समय छोटे थे तो कुछ लकड़ी हम लोग लाते थे, उसके लिए वो फॉरेस्ट अधिकारी कुछ नहीं करते थे, मतलब कुछ अलाउड था, कुछ जो पेड़ है जो पौधा है उसको आप काट के लाएंगे तो उसके लिए अलाउ है, वो बैंड नहीं है, लेकिन कुछ लकड़ी है जिसके लिए बैंड था, तो अगर पकड़ा गया तो क्या करेंगे, तो एक मुर्गा एक दे देते थे नहीं तो एक मकान। तो ये तो परंपरा था। तो मैंने फिर देखा कि ये बड़ा चप्पी हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं तो बीएचएल का नौकरी था, तो बीएचएल में तो एक परमिशन लेके कॉन्टेस्ट कर सकते हो, तो मैंने हारने के लिए कॉन्टेस्ट किया। ये मैं जगन्नाथ धाम में खड़ा होकर बता रहा हूँ इसको, क्योंकि उससे पहले 85 में मेरा जहाँ से मैं विधायक बनने के लिए खड़ा था वहाँ बीजेपी का जो कैंडिडेट हमारा था वो 1100 वोट लिया था, तो जहाँ 1100 वोट है 85 में, 90 में मैंने विधायक लड़ने जा रहा हूँ तो वहाँ जीतने के लिए तो उम्मीद करके लड़ना ठीक नहीं। तो मैंने सोचा कि इसलिए लड़ रहा हूँ कि लड़ने से नाम थोड़ा कुछ लोग को पता चल जाएगा, बैनर पोस्टर ये वॉल राइटिंग ऐसा कुछ हो जाएगा, और उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम नौकरी में फिर वापस जाना है, 5 साल फिर काम करना है, और उसके बाद मैं आके फिर वापस विधायक के लिए लड़ना है सीरियसली सेकेंड टाइम। लेकिन लोग यहाँ जिताने के लिए केवल वोट नहीं देते, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ ध्यानपूर्वक सुनिए, लोग केवल जिताने के लिए वोट नहीं देते, लोग हराने के लिए भी वोट देते हैं, और हराने के लिए ज्यादा एग्रेसिव भी वोट देते हैं। हम जिस क्षेत्र में से कॉन्टेस्ट किया वो उस समय 1990 में बीजू बाबू जिंदा थे, उनका लास्ट इलेक्शन भी था।